सत श्री अकाल सारे नू, मैं मनप्रीत, वेलकम टू माई चैनल। अज का ब्लॉग हैगा आ एम्ब्रॉयडरी दे। सो बेसिक स्टिचेस जिहड़ियां साडियां हुंदियां आ, चेन स्टिच हो गई, फ्रेंच नॉट हो गई, लेजी डेजी हो गई। सो बेसिक स्टिचेस नूं आपां यूज करके एक मोटिफ एम्ब्रॉयडरी करना आ। सो उहनूं आपां किद्दां किद्दां प्लेसमेंट दे सकते हैं। सो अगर आपां चार पांच स्टिचेस नूं मिक्स करके एक मोटिफ ड्रॉ करांगे। सो आपां स्टार्ट करते हैं। सो आपां फैब्रिक नूं फ्रेम ते लगा लिया आ। ए मेरा फ्रेम स्टैंड हैगा आ, इहनूं मैं एमाजॉन तों मंगवाया सीगा। ते इहदी असैम्बल करदे होए दी मैं वीडियो प्रॉपर इंस्टा ते पाई हुई है, लेबल बाय मनप्रीत दे पेज ते, तुसीं जाके चैक कर सकदे हो ते इहनूं एमाजॉन तों ऑर्डर कर सकदे हो। सो इहदे नाल ईजी बहुत हो जांदा आ, क्योंकि तुहाडे ना दोनों हत्थ फिर एम्ब्रॉयडरी लई यूज हो सकते आ। सो आपां फर्स्ट स्टार्ट करांगे चेन स्टिच नाल। मैं एंकल थ्रेड यूज कीते है येलो कलर दा, ते इहदियां तीन स्ट्रिंग्स यूज कीतियां है, मोस्टली सिक्स थ्रेड्स जे आंदा हुंदा है। सो मैं इहनूं थ्री स्ट्रिंग्स नू यूज करके कलर्स, एंकल थ्रेड के काफ़ी कलर्स आते हैं, डबल शेड च भी आते हैं। मतलब मैं सिंपल मस्टर्ड लेता है, जो तुम चाहो डबल शेड भी यूज करके कोई भी पैटर्न बना सकते हो। उन्हों आप फिर एक पैटर्न मोटिव थोड़ा ड्रॉ हो गया। सो उस तो बाद नैक्सट लई सानू ईजी हो जाता कि एक साडा पैटर्न ड्रॉ हो गया है, तो अपना उन्होंने आप प्लेसमेंट किदा देनी है अगे। सो इनू मैं हुण थोड़ा जा मैं फ्रेम नू इधर कर लांगी मोड़न वास्ते। सो तुसी देख सकते हैं चेन स्टिच दा नेड़ियों इफेक्ट की हैगा आ, लाइक इट्स लाइक अ ड्रॉप वांगू इफेक्ट दिंदा आ। और जदों भी तुसी अपना थ्रेड नू कढ़ना आ ते तुसी धागे नू जरूर फड़ना, क्योंकि मोस्टली एंकल थ्रेड ना अड़ बड़ी जल्द नैचुरल नॉट बड़ी जल्दी दे देंगे। एम्ब्रॉयडरी दे पैटर्न्स, मतलब बेसिक स्टिचेस भी अगर आप देखने चाहिए तो बड़े सारे ने। मतलब मैंने याद है छोटे होंगे, मतलब मैनू स्टिचिंग मेरी ड्राइंग शुरू तो वधिया रही है ना। सो मेरी नानी है करते होंगे सी स्टिचेस, मतलब सिलाई कढ़ाई का काम। सो मैनू उन्हना तो यह सारा कुछ मिलया होया। सो लाइक मेरी मम्मा की भी ड्राइंग बहुत सोहनी है, उन्होंने एम ए की है इसी चीज़ से। तो यह खानदानी गुण है जोड़ा मेरे च आया है। सो यू कहते अपनी तारीफ खुद करना। तो बेसिकली स्टिचेस का दिखाना, हैंड पेंट का दिखाना, इट्स लाइक एक ग्लिम्स आ थोड़े लिए। अज मैं एम्ब्रॉयडरी भी थानू शो की है। सो मेरे ना बड़ी छोटी 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 कलैक्शनस ने लेबल के रिगार्डिंग जिहड़ियां मैं लॉन्च करनियां आ, और उत्ते ही काम चल रहा है। सो उहदा मैं छोटा छोटा ग्लिम्स थानू विच विच दिखाती रहनी हाँ कि हुण जिद्दां लास्ट टाइम मैं थानू हैंड पेंट का दिखाया सीगा। सो हैंड पेंट पर भी एक कलैक्शन आ, उहनू मैं प्रोबेबली विद इन 10 डेज उन्हों रिलीज करना है, क्योंकि बना के फोटोशूट करना, प्रेजेंटेशन एंड ऑल सारा कुछ हैगा आ। सो उस तो बाद एम्ब्रॉयडरी ते आ बेसिक स्टिचेस नू यूज करके ही उस तो अगली कलैक्शन होगी। सो उहदे लई थाडे थानू मेरे नाल कनैक्ट रहना पवेगा, स्टे कनैक्टेड है ना। ते बाकी जे थोड़े हुण जिदा मैं कल कॉमेंट सैक्शन देख रही सीगी, मैनू किसी ने मैसेज किया सीगा, कॉमेंट किया होया सीगा कि हैंड पेंट का जिहड़ा मैं आर्टिकल पाया सीगा कि तुसी फुल सूट पेंट करके पा सकते हो। यस डेफिनेटली मे बी शायद मैं अगले दूजे तीजे ब्लॉग च पूरा सूट ही थानू पेंट करके दिखावां। ते उहदे लई भी की टिप्स ने की होगा वह बहुत मैटर करता है। मतलब मैनू लगता है कि जदों तुसी
कोई भी काम कर रहे हो थोड़े मतलब जिदा हुन मैं कर रही हूँ काम कर रही हूँ मेरा जो प्रैक्टिकल वर्क आ वो मैं पता है स्ट्रोंग आ मेरा थ्योरी शुरू तो कितने ना हो रहा है प्रैक्टिकल तो रिगार्डिंग है ना सो मैं हमेशा जो भी पेपर वर्क करती हूँ सो मेरा पॉइंट रहता है कि पेपर वर्क हमेशा स्ट्रोंग होना चाहिए आ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सूट भी पेंट कर रही हूँ हम किन्ने आर्टिस्ट ने मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम से भी रील्स से भी कि हैंड पेंट करते हैं फ्री हैंड करते हैं है ना सो उन्हें भी प्रैक्टिस उस लेवल पर हो पी है मैं भी कह सकती हूँ कि मैं बहुत प्रोफेशनली करती हूँ मैं भी बिगनर ही सी मैं भी सीखिया मैं ऑनलाइन ही सीखिया सारा है ना तो मैं पता है कि जो तीन आप सीखते होंगे ना तो थानू आप नू पता चलता है कि यार इदा किया हूँ मैं नैक्सट आ कर सकती हूँ क्योंकि ना छोटिया छोटिया चीज़ा सारे नहीं दसते वो जब तक तुम आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं कुछ डिजाइन क्रिएट करोगे थानू नहीं पता लगेगा हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टिचिंग आप कर रहे होंगे या हैंड पेंट कर रहे होंगे मैं हूँ हैंड पेंट कर रही थी किन्ने तरीके के रोजेज होंगे आ जो मैं पेंट कर लगी एक नवा पैटर्न बनया सो मैं मेरे आंटी है मैं हमेशा उन्होंने शेयर करती हूँ जो भी वह कुछ बनाते हैं या मैं कुछ बनाती हाँ तो आप हमेशा एक दूजे सेंड करते रहने मैं अज यह बनाया सो मैं जो उन्होंने भेजे से उन्होंने यही कहा तू नवे तरीके का ही गुलाब कटता है ना सो उदो मैं नोटिस किया कि नाइस हाँ यह कुछ अलग पैटर्न आ हूँ जिदा हैंड पेंट करती हूँ मैं मैनू रोज बर्ड बनाने बहुत वधिया लगते हैं मतलब मैं लगता है कि शायद हरेक का ना कुछ सिग्नेचर होंगे आ कि इस हद की स्पैशलिटी हैगी है सो मैं लगता मैं रोज बर्ड सोहने बना सकती हाँ सो स्टिचिज न लैके भी इदा ही हाँ बेसिक स्टिचिज कॉलेज सीखे थे कॉलेज तो मैं लगता मैं उस तो पहला ही घरे सीख ले थे कॉलेज मैं हमेशा वेली बैठी होंगी सी जो भी स्टिचिंग का टाइम आता से सू क्रोशिया सिखाया कॉलेज तो उदो मैं सिर्फ वेली बैठ क्योंकि मैं करके क्रोशिया पहले ही बह जाती सी हरे बच्चे कर रहे होंगे सके सो वो कई चीज़ा होंगे आ कि थानू डिपेंड्स थोड़ा इंटरस्ट शुरू तो कि रहा है सो छोटे होंगे स्टिचिंग करनी डॉल्स दे अपनी बारबी डॉल्स के कपड़े बनाने फैंसी तो फैंसी है ना सो बेस मैं लगता सीगा कि मेरा बेस क्लीयर हैगा आ स्टिचिंग का है कि हाँ स्टिचिंग का आफ्टर कॉलेज प्रैक्टिस स्टिचिंग प्रैक्टिस मंगता आ वो इन्ना होया नहीं क्योंकि उस तो बाद मैं जॉब की फिर मैं इतने मोहाली शिफ्ट हो गई फिर इधर स्ट्रगल अलग आ सो स्टिचिंग क्योंकि मैनू बेसिकली मेरा परसनल जोड़ा टेस्ट हैगा आ वो छोटे छोटे पैटर्नस नाल प्ले करना आ अगर एम्ब्रॉयडरी भी करनी है मैंने एम्ब्रॉयडरी पसंद आ बट मैं लगता है छोटे छोटे पैटर्नस नू आपां करके की चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जिहड़ी आपां देखते हैं अजकल मोस्टली सूटां ते जिहड़ी चलती है वो दबका नक्शी टाइप आही चलता सिप्पी वर्क हो गया बट अगर आपां इदां दी कुछ एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो आपां उहदे लई आपां मोटिव की बना सकते हैं वो जदों मैं नैक्सट ब्लॉग पावांगी जदों हैंड पेंट सूट दा मैं पाउणा आ हैंड पेंट करके लाइक पूरा सूट तो नहीं बट हाँ एक बेस मैं थानू दसांगी कि मैं किदां करदी हाँ सो मैं लगता है कि जे तुसी कुछ नॉलेज लिती है जे थानू लगता है कि तुसी आप वो चीज़ मतलब मैं लगे कि मैं अज स्टिचिंग कर रही हाँ करते करते आ चीज़ नवी बन गई सो मैं उन्हें अपने अंदर रखने नालों मैं शेयर करना पसंद करांगी क्योंकि कल मतलब होंगे ना कि जिनी नॉलेज तुसी दोगे उन्नी घट हैगी और नॉलेज कदे भी आपां ए नहीं कह सकते कि हाँ मैं सब आता है वो चीज़ कदे भी नहीं होंगी सो अपना देखिया हुण तुसी देख सकते हो मेरा थ्रेड इतने उलझ चुकया है क्योंकि मैं नॉट बहुत वड्डा लै लिया सीगा सो इहदे नाल भी हुण मैनू थोड़ा जिहा देख के करना पैना है सो पेशेंस काम करन लगे पेंट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो थोड़ा पेशेंस होना बहुत जरूरी है मैं विच विच थोड़े पेशेंस छड़ देनी मैं नहीं कहना मैं कल वीडियो पाई सी एक इदा ही हो रहा सीगा जदों बना लगे शोर जदों बना लगे शोर सो एक बार होंगे कि चलो नहीं बनाना यार बट इदा नहीं सो आप ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हाँ सो इनू मैं बाकी अगर थानू लगता है हम जिदा स्टिचिज हैगे आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं हम जिदा मैं हैंड पेंट का आया सीगा जे थानू लगता है स्टिचिज नू लैके तुसी कोई पर्टिकुलर चाहते हो कि मैं कुछ बना के थानू दिखा सकां
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਧਾਗਾ ਫੇਰ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯੈਸ ਡਨ। ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰੈਡ ਵੀ ਨਾ ਅੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਫਰੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਯੂਸਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਫਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮੋਟਿਵ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਨਾ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੀਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਸੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਸਟਰਡ ਕਲਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਥਰੈਡ ਕਲਰ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਯੈਸ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਲਰਸ, ਕਲਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਲਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਰਸ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਲਰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫਰੈਂਚ ਨੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥਰੈਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਨਿਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਸਟਰੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਨ ਲਵਾਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਪੈਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰਾ ਐਂਕਲ ਥਰੈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਯੈਸ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਚ ਨੋਟ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਰੈਂਚ ਨੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਥਰੈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਬਰਿਕ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ।
मेरा हुण थ्रेड थोड़ा जा उधरों खुल चुके है, सो उन्हों मैं कवर करने लिए मैं उधर सेंटर चो ही कर लिया। सो ऐसा डी थर्ड स्टिच हो गया। हम लग रहे मैं थोड़ा जा लूज लूज ही रखे क्योंकि इस तो थोड़ा जा मैं फुलिया फुलिया जा थोड़ा एम्बोज वाला इफेक्ट मिल जूगा। इतने फ्रेंच नॉट नाल इदा मैं देता है, तुसी चेक कर सकते हैं। सो इतने मैं फ्रेंच नॉट दे नाल इनू कंप्लीट किया, मैं सेंटर फिलिंग ही दिती है। मैं चाहवा इतने भी दे सकती हाँ, बट डिपेंड्स अगर आप एक बार इनू कंप्लीट करांगे दैन विल सी कि इतने सानू रिक्वायर्ड हैगा नहीं हैगा। इतने मैं तीन छोटे छोटे सर्कल्स बनाए, इतने मैं लेजी डेजी फ्लावर देना है, वह भी बहुत सिंपल आ और वो चेन स्टिच का ही एक नैक्सट स्टैप कह सकते, बट जिदा चेन स्टिच आप छोटे छोटे गैप लैने ये सानू वड्डा एक विड्थ लैनी पैंदी है। सो इत्थे मैं एक सेंटर पॉइंट पहला मैनू बनाना सीगा। सो इनू आपां इत्थे लॉक करना है। मैनू लग रहा है मेरा धागा उलझ गया नहीं है, तो थोड़ा जा सो आप चारों पोर्शन ते मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक इत्थे आ दैन एक इत्थे आ जूगा, फिर इत्थे फिर इत्थे, फिर सानू ए चीज़ देखनी है इत्थे सानू देना है कि नहीं देना, अगर देना है तो सेम देना है कि आप उत्थे भी कंट्रास्ट कर सकते हैं किदा आ। सो इनू आप इधरों दे देंगे, देख सकते हो, फिर सेंटर च इनू लॉक करना दोबारा बना के। तुसीं देख सकते हो हुण इनू मैं इहदे सामने सेंटर दूंगी, सेंटर तो ही मेक श्योर थोड़ा ना इदा एक ड्रॉप वांगू फील आना चाहिए है। सो इनू आप बैक ते लॉक करांगे। फिर आप सेंटर सो लास्ट मेरा नॉट मेरे तो गलत पै गया सी, सो हुण उन्हों थ्रेड नू ठीक किया। सो आप सेंटर चो लैके मैनू देना है लाइक इत्थे, इत्थे मेरा फोर पैटल दा लेजी डेजी रेडी आ, तुसी देख सकते हैं। इनू आप थल्ले लॉक करांगे, हुण जे तुसी चाहते हो
कि लाइक आ जिहड़े चार पोर्शनस आ इत्थे मैं दूजा कलर भी दे सकदी हाँ बट कंट्रास्ट तुसी कर सकदे आ इट्स अप टू यू कि तुहाडा टेस्ट किद्दां आ मैं सेंटर तो लैके क्योंकि हुण जिद्दां मैं तुसी देख सकदे हो मेरा सर्कल छोटा आ हुण सारा चीज़ सेंटर पॉइंट तो हो रहा है सो उत्थों हुण मैनूं थ्रैड कढ़ना इज़ लाइक बहुत देख के क्योंकि ऑलरेडी उत्थे बहुत थ्रैड दे नॉट्स बन चुके ने सो इस पॉइंट तो बाद आके तुहानूं बहुत ध्यान रखना पैंदा है अपनी एम्ब्रॉयडरी दे विच या जो भी तुसी आर्टिकल बना रहे हो क्योंकि तुसी सेंटर तो ही लैना आ सो उप्स एक सेकेंड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਯਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ थ्रैड अड़ रहा है सो बड़े ही आराम नाल तुसी एक स्पेयर नीडल अपने नाल रख सकते हो उहदे थ्रू तुसी लाइक गैप नू फिल कर सकते हैं सो आपां इहनू इधरों सो इत्थे आपां लेजी डेजी दे पैटल्स नू ओवरऑल 6 लीफ दे विच कंप्लीट कर लांगे रिपीट करते हुए मेक श्योर थोड़े लीफ च थ्रैड ना अड़े सो इदा करके आपां पूरा फ्लावर नूं कंप्लीट कर लेंगे तुसी देख सकते हैं सेंटर पॉइंट तो देख के कि धागा ना अड़े सो इत्थे साडा लेजी डेजी कंप्लीट हो चुका है हुण सेंटर नूं भी फिल करना आ सो इहनूं मैं इत्थे ही लॉक करांगी सो मेरे कोल जिहड़ा पहला थ्रैड सीगा मैं लॉकिंग दा भी तुहानूं दस्सां थोड़ा बैक साइड जिदा हुण मैं इत्थों जदों मेरा चेन स्टिच खत्म हुई सीगी मैं इत्थे स्टार्ट कीता मैं इधरों भी कर सकती सी कि जिन्ना थोड़ा फ्रंट क्लीन होना चाहिए उन्ना थोड़ा बैक भी क्लीन होना चाहिए आ फैब्रिक का तो उस तो है कि थ्रैड नहीं अड़ते किसी के नाल क्योंकि अगर मेरे तो हुण दो बार मैं नोटिस हुण देखो डेफिनेटली मैं भी कोई परफेक्ट नहीं किया इधरों लैके मैं इतों स्टार्ट कर सकती सी कि मेरा क्लीन क्लीन हुंदा जाए सो इतों आ थ्रैड आया इधरों आ थ्रैड आया सो आ किते ना डिस्ट्रैक्शन हो जाती कि जो आप थ्रैड नू लैना आ किदा आ सो इत मैं सिंगल नॉट इनू लॉक कर दाँगी लैके आ थ्रैड नाल लॉक इनू आप ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਲੇਜ਼ੀ ਡੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੋਟ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆ ਲਾਈਕ ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਜ਼ੀ ਡੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ हाँ मेरी निडल भी नहीं निकल रही है सो इसी चीज़ को आप बड़े ध्यान नाल देख रहे हैं सो मैं 1 2 आप 4-5 नॉट हाँ तो देख सकते हो मेरी निडल पूरी टेढ़ी हो चुकी है सो 1 2 तो इन आप सेंटर से ही लॉक कर देंगे लाइक दिस हम सू थ्रेड नू भी कटना है सो साडी फ्रेंच नॉट नाल सेंटर साडा लग गया सो एक चीज मैं अगर तुसी देख सकते हो मैं पहला ड्रॉ किते सीगे 3 आर्टिकल है ना सो मैनू रिक्वायर्ड नहीं लग रहा कि मैं इत्थे भी 2 होर बनावा फ्लावर डिपेंड्स है ना जरूरी नहीं हुंदा कि आपां ड्रॉ कर लिया सो आप सानू मतलब थानू ओदी पैटर्न देखना पैना आ पैटर्न दा लेवल की इत्थे मैं 3 बनाए आ
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਫਲਾਰ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੇਜ਼ੀ ਡੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਰੈਂਚ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਊਂਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਫਲਾਰ ਬਣਾਊਂਗੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡਸ। ਦੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਸਟਿਚਿਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਟਿਵਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਿਚਿਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸੂਟ ਵੈਸਟਰਨ ਡਰੈਸਿਸ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਰੈਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਿਚਿਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।